दुर्ग गर्ल्स कॉलेज में मनाया गया सावन उत्सव, जिसमें विशेष परिधान में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वही परिसर में स्टॉल भी लगाए गए। दुर्ग के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बनाए गए आकर्षक परिधान व्यंजन कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कॉलेज के पूर्व वर्तमान की छात्राओं ने इस सावन उत्सव में सभी ने विशेष परिधान हरी साड़ी पहनकर पहुंची और साथ ही इस अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को तत्काल पुरस्कृत भी किया गया। महाविद्यालय के कौशल विकास केंद्र प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि छात्राओं की रचनात्मक कला को प्रोत्साहित करने एवं मंच प्रदान करने सावन उत्सव आयोजित किया गया है। उन्होंने यही बताया कि राखी त्योहार के उपलक्ष्य में सुंदर मनभावन राखियां भी छात्राओं ने बनाई हैं, जिन्हें प्रदर्शित व विक्रय किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर DC अग्रवाल ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सावन उत्सव में दुर्ग भिलाई के विभिन्न महाविद्यालयों एवं शालाओं के विद्यार्थियों एवं शिक्षक शामिल हुए। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी, कौशल विकास केंद्र प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश सहित स्टॉल लगाए छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का हमारा आयोजन है वो सावन उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और इसमें हमारे गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने इसमें और उनके प्राध्यापकों ने विशेषकर गृह विज्ञान के हमारे डॉक्टर रेशमा लाकेश ने इसका संयोजन किया है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ हैं, चाहे वो कपड़े पर हो, चाहे विभिन्न प्लास्टिक आइटम पर हो, जिसमें छात्राओं ने खुद बनाया है। गृह साज सज्जा की वस्तुएँ हैं उसमें, उसमें मेहंदी है, कला है, केस कला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभाओं को उभारती हैं। तो मुख्य उद्देश्य आज के सावन उत्सव का यही है कि छात्राओं की जो प्रतिभाएं हैं उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करें, चाहे वो व्यंजन के माध्यम से हो, चाहे वो होममेड जितनी सामग्री है उनके माध्यम से हो। और एक अच्छा माहौल छात्राओं ने बनाया है और बड़े उत्साह के साथ हम लोग हमेशा प्राचीन परंपरा भी रही है कि सावन को हम सावन मेले का आयोजन किया जाता रहा है और सावन उत्सव पर महिलाएँ काफ़ी उत्साह के साथ भाग लेती हैं। ये छात्राओं ने भी इन परंपराओं का निर्वाह किया है और बहुत अच्छे भाग रूप से उन्होंने प्रतियोगिताओं में भी और स्पर्धाओं में भाग लिया है, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं और इस प्रकार के आयोजन हमारे लिए उम्मीद का पत्थर साबित होता है। सावन उत्सव का आयोजन किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से कटे हुए थे और बहुत ज़्यादा बच्चों में भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा था। उनको कॉलेज में वापस अट्रैक्ट करने के लिए, उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इस तरह का हमने एक आयोजन किया है, जिसमें कुछ गेम्स भी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये इसके साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक जो रेगुलर डिग्री है ये काफ़ी नहीं है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे काम जो कि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही यहाँ सीखते हैं उसको एक तरह से उनको जो इंडस्ट्री है उसके लिए तैयार करना, रेडी करना, साथ में उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोड्यूसर करना, मतलब खुद अपना काम करना, इस बात पे ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं और ये काम वो अपने घरों से बहुत कम लेवल पे शुरू कर सकते हैं। किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह एडवर्टाइज करें, ये सारे स्ट्रेटजीज उनको सिखाए जा रहे हैं और साथ ये हमारे साथ रेगुलर कोर्सेज भी हमने अपने कॉलेज में स्टार्ट किए हैं। इसके साथ ही हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, उनको हमने यहाँ पे आज इन्वाइट किया है ताकि जो हमारे अभी के जो बच्चे हैं वो उनसे देखें, सीखें, मोटिवेट हों और इस काम को आगे बढ़ाएं। ये इसका मेन हमारा एम है और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ गेम्स का भी रखा है उसको भी, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ वो कुछ चीज़ें सीख भी रहे हैं। जो लोग सीनियर्स आए हैं, आसपास के कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी अपने यहाँ पे इन्वाइट किया है इस आयोजन में। ये कांता वर्क है, लोगों को बहुत ज़्यादा है, ये हाथ से बना है और ये ना मिनिमम 2 महीने में पूरा साड़ी कंप्लीट है। कितनी प्राइस है इसकी? क्या मैं यहाँ की छात्रा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये आगे जनरेशन में बहुत काम आने वाला है, जैसा कि कुर्ता है,
ये पहले तो राजस्थान में ये कुर्ता लड़के लोग पहनते थे, अब ये लड़कियां भी पहन सकती हैं। इसका फ्रॉक बना के, कुर्ता बना के, जैसा भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि छोटा सा पाउच है, छोटा सा बेबी पाउच है, और ये गिफ्टेड है, इसमें फ़ोटो वगैरह करके भी आप लगा के आप सेलिंग कर सकते हैं। ये हालांकि लगता है इसमें टाइम, बट ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। मैं आदि भूतपूर्व छात्र हूँ, मैं पढ़ने के साथ साथ ये सब सीखती हूँ। तो ये हमारा ड्रीम कैचर है अपना, इसको मैं अपना बिजनेस करती हूँ। जो ऑर्डर देते हैं ना, उन लोग को मैं ऑनलाइन ही देती हूँ। इसमें इसको बनाते तो हम लोग को टाइम तो लगता है वैसे, बट बेनिफिट है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।